क्या पार्टी का सिस्टम वो बनाएंगे? क्या पार्टी के सारे निर्णय वो करेंगे? भूपेश जी, वो अहमद पटेल बनने की कोशिश ना करें इस परिवार का। ये जो धारणा बनी है धीरे धीरे दिल्ली में कि अहमद पटेल जाने के बाद इस परिवार का दूसरा अहमद पटेल तैयार हो रहा है, तो वो इस तरह की भाषा ना बोले। और अच्छा है, मैं तो मेरी पार्टी के भी लीडर्स को कहूंगा कि हमें बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहिए, हमें भाषा का मर्यादा, वाणी का मर्यादा रखनी चाहिए। नहीं, पार्टी की साथ साथ चर्चा करके बैठे वो, और उन्होंने जो विषय उठाना था उठाया विषय, क्योंकि जो जिस तरीके से सबको पता है कि यह चीज आगे चलनी नहीं है, लेकिन ये जनता को जो 70 साल इनकी आदत पड़ गई है वंचिका देने की, धोखा देने की, वो आदत की वजह से इस तरह के हथकंडे अपना रहे। तो नंद कुमार साहब जी ने अपने तरीके से जवाब दिया, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड हमारा है, ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये वो पार्टी नहीं है जो अपने राष्ट्रीय नेता का मंच पे पेपर फाड़ दे। ये पार्टी हमारा संसदीय बोर्ड जो निर्णय करता है उसको मान्यता करती है, और मैं ऐसे प्रांत गिना सकता हूँ जो बिना चेहरे के चुनाव लड़े, ऐसे प्रांत भी गिना सकता हूँ जो चेहरा घोषित करके लड़े। ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है। जो संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाएगा। और इसलिए कांग्रेस ऐसे प्रकार के तत्वों का उपयोग करके, जो पिछले साल भर से आप लोग खुद दिखा रहे हो, खुद बता रहे हो कहाँ क्या हो रहा है, डेली कोई ना कोई कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि हम उनको भी जागृत करेंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में संपूर्ण देश की राजनीति को टर्न अराउंड किया है। जो राजनीति अब तक जातिता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर थी, उस राजनीति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकासवाद की ओर ले गए, और उसी का परिणाम आपको धीरे धीरे हर स्टेट में दिख रहा है कि जिस तरह का इस प्रदेश का वायुमंडल बनाया रखा है चार बुझ करके, जो लूट मचा रखी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नीचे तक हो रहा है, मैं आज ज्यादा उस विषय में बोलना नहीं चाहता हूँ, डिटेल प्रमाणिक चीजें भी आपको बता सकता हूँ। इसलिए मैं पूरा करूँ, इसलिए मान के चलिए कि बिल्कुल कोई चुनौती नहीं थी। जब मैं उत्तर प्रदेश में प्रभारी था तो उस समय हमारे पास सिर्फ 47 सीट थी। उस समय भी जब हमने 250 पार का पहली बार, 300 पार का, तो आप लोगों के बीच में यही प्रश्न था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, और आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले 8 वर्षों में काम किया है, हर घर तक जो चीज पहुँचाई है, हर घर की चिंता की है, वो सब लेकर के कार्यकर्ता को सजग करना पूरी दायित्व मेरा। इसलिए मैं चुनौती अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं चुनौती नहीं मानता।